का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की गई है। स्वास्थ्य जांच कराने के लिए समय मांगा है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी, अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की गई है। स्वास्थ्य जांच कराने के लिए समय उन्होंने मांगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत पर बाहर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में थे, उसके बाद जमानत मिली और अब जमानत बढ़ाने की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की गई है। स्वास्थ्य जांच का हवाला दिया गया है, स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए इन्होंने 1 हफ्ता जमानत बढ़ाने की मांग जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अपनी जमानत जो है, अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है। मेडिकल जांच का हवाला दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ मेडिकल जांच करवानी है और उसके लिए 7 दिन का समय जो है वो मांगा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दस मई को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, यानी कि 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना है। तो ऐसे में अब अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से की गई है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अंतरिम जमानत उन्होंने मांगी है 7 दिन के लिए। और बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की जो बेल है वो 1 जून को खत्म हो जाएगी, यानी 2 जून को उनको अपने आप को वापस से सबमिट करना है। तो इस तरह से उन्होंने, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंटरिम बेल मिली थी उस वक्त उनके एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कहा गया था कि एटलीस्ट 4 जून यानी जिस दिन रिजल्ट आएंगे तब तक के लिए उन्हें बाहर रहने की इजाजत दी जाए, हालांकि उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन की एक्सटेंशन की बात की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उसे एक्सेप्ट किया जाता है या वापस से उन्हें 2 जून को अपने आप को वापस से सबमिट करना होगा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन और क्या कुछ जानकारी है, कौन से मेडिकल जांच के बारे में ये 7 दिन के लिए और जमानत बढ़ाने की मांग जो है वो की गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को PET CT स्कैन और कुछ और भी टेस्ट हैं जिन्हें उन्हें करना होगा इन 7 दिनों के लिए। 3 तमाम चीजें की जा रही है, हालांकि इसके लिए अभी और डिटेल सामने नहीं आई है। जिस तरह सामने आएगी हमें दर्शकों को बताएंगे। तभी यही अपडेट है कि उन्हें कुछ टेस्ट देने होंगे, टेस्ट करवाने होंगे। PET CT स्कैन मूलतः होगी और भी और कुछ टेस्ट हैं जिन्हें उन्हें करवाने होंगे। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए उन्होंने अपना समय जो है वो बढ़ाने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में। अंतरिम जमानत में 7 दिन का इजाफा करने की मांग जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है।